ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लेती। मित्रों, आज बात करते हैं मंगल दोष की पहचान और उसके निवारण की। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भावों में से कहीं भी स्थित हो, तब जातक मंगली या मंगल दोष से युक्त होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में कहीं पर भी मंगल स्थित हो, उसके साथ शनि, सूर्य, राहु, पाप ग्रह बैठे हो, तो वह पुरुष गोलिया मंगल और स्त्री जातक चुनड़ी मंगल हो जाती है, अर्थात दोगुना मंगली मानी जाती है। वर और वधु अगर दोनों मांगलिक हों तो विवाह अत्यंत शुभ होता है, परंतु दोनों में से केवल एक का मंगली होना अशुभ कारक होता है। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में हजार तरह की बाधाएं आती हैं। मंगल दोष का निवारण भी कुंडली में ही छिपा होता है। मांगलिक कुंडली के सामने मंगल वाले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में पाप ग्रह हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। केंद्र में चंद्रमा यदि 1, 4, 7 व 10वें भाव में हो तो भी मंगल दोष दूर हो जाता है। शुभ ग्रह यदि कोई भी केंद्र में हो तो सर्वारिष्ट भंग योग बना देता है। अगर विवाह में वर या वधु में से कोई एक भी मांगलिक हो तो विवाह के पूर्व पीपल विवाह, कुंभ विवाह, शालिग्राम विवाह की युक्ति करा लेनी चाहिए। जो जातक मांगलिक हैं, उन्हें मंगल यंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मंगल के 21 नामों का जप भी मांगलिकों को निरंतर करने से लाभ होता है। इन नामों के जप से विवाह की बाधाएं, दाम्पत्य जीवन की बाधाएं और संतान दोष की बाधा भी समाप्त होती है। मंगल के 21 नामों का जप हम अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।